people, it's Mishan. Thank you so much for clicking on this video and welcome to my channel. Today we are going to talk about this upcoming Bollywood movie, jiska naam hai Thackeray. It is a biopic and it is based on the life of Balasaheb Thackeray, short mein kahe to Bal Thackeray. He was the founder of party Shiv Sena. And ye isme jo main lead role play karenge Bal Thackeray ka, wo karenge Nawazuddin Siddiqui. एंड इसमें जो उनकी वाइफ का रोल प्ले करेंगी ताई ठाकरे का रोल वो हैं अमृता राव. सो दैट इज़ रियली नाइस. सो ये हम मूवी के बारे में काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं एक्चुअली एंड अब फाइनली इतने सारे यू नो ऑब्स्टिकल्स पार करने के बाद इसका ट्रेलर आ गया है हमारे सामने. तो चलिए देखते हैं ट्रेलर एंड लेट्स सी कि यू नो बाल ठाकरे को किस तरह इसमें दिखाया जाता है. सो लेट्स वॉच इट. इट्स 2 मिनट्स एंड 54 सेकेंड्स लॉन्ग. सो हियर वी गो, ठाकरे ऑफिशियल ट्रेलर. मुझे बॉम्बे शांत चाहिए. इस वक्त बॉम्बे को एक ही आदमी शांत कर सकता है. लुक एट हिज मेकअप मैन. जनता का काम करने के लिए जनता के बीच जाना पड़ेगा. एक संगठन की शुरुआत करनी होगी. अपनी सेना होगी सेना, देशवादी महाराष्ट्र का नाम और करने शुरू. अरे भीख मांगने से अच्छा गुंडा बन के अपना हक छीना. अगर बेलगांव का मसला हल नहीं हुआ, देश के गृहमंत्री मोरारजी देसाई को चेतावनी देते हैं. ये ठाकरे होता कौन है उस पर रोक लगाने वाला? मुंबई तो क्या, महाराष्ट्र की सीमाओं का घुस में नहीं रहेगा. अभी ये सब याद नहीं चलेगा. पहला हक क्या थे मराठे लोगों का? आप कहते हो कि महाराष्ट्र सिर्फ मराठी लोगों के लिए है. मैं जब भी कहता हूँ कि जय हिंद जय महाराष्ट्र, तो जय हिंद पहले कहता हूँ, जय महाराष्ट्र बाद में, क्योंकि मेरे लिए मेरा देश पहले है, राज्य बाद में. और आप ही के कहने पर आपके लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया. वहाँ पे तो राम मंदिर था. आपको कैसे पता कि राम लल्लाओ वहीं पर पैदा हुए थे? मैं तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे. मैं सही हूँ या गलत, इसका फैसला आपने देश की जनता करी है. क्योंकि सबसे ऊपर मैं एक ही अदालत को मानता हूँ और वो है जनता की अदालत. मेरे कंधे पे है ना, वो तुम्हारा लोकतंत्र है. मैं नरक में नदी रहेगा ना, तो लाखों लोगों को इकट्ठा करने की ताकत आई जगदम मैंने मुझे दी है. मुंबई में हुए दंगों में भी आपका हाथ कम हाथ नहीं पाता. मेरा विचार बनकर लाखों लोगों के खून में बहेगा और स्कूल के हर कतरे में जिंदा रहेगा ये भारतीय जनता के. दोनों मुल्कों में फिर से क्रिकेट मैच शुरू हो जाए तो हालात और भी सुधरेंगे. आपका सिक्सर याद है मुझे, एक्सेलेंट शॉट. आपकी बैटिंग इतनी भी अच्छी नहीं थी कि मैं सीमा पर शहीद हुए जवानों के परिवारों का दुख दर्द भूल सकूं. ओके, 25th जनवरी जो कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज द 93rd बर्थडे होता बाल ठाकरे का, अगर यू नो वो जिंदा होते तो. मैं सोच ही रहा था कि यू नो बाल ठाकरे को किस तरह पोर्ट्रे किया जाएगा इसमें. एंड बाल ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर यू नो. एंड आई एम हैप्पी कि इसमें यू नो उसी तरह से इन्हें यू नो दर्शाया जा रहा है. कोई मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्हें ग्लोरीफाई करके दिखाया जा रहा है या उनको सही बताया जा रहा है इस यू नो ट्रेलर इस मूवी के जरिए, ऐसा नहीं है. मतलब जो मैं ट्रेलर से समझ पा रहा हूँ वो कह रहा हूँ. ऐसा हो सकता है कि मूवी में अलग तरीके से बताया हो, क्योंकि ट्रेलर और मूवी ज़रूरी नहीं है एक जैसे हों. कई बार ऐसा होता है कि ट्रेलर अलग तरह का है एंड मूवी अलग तरह की है. जो अभी सिर्फ ट्रेलर के बारे में बात करेंगे तो ट्रेलर से ऐसा नहीं लग रहा कि उन्हें ग्लोरीफाई या उनके विजन या जो भी वो सोचते थे या जो भी मानते थे उसको सही बताया जा रहा है. इसमें जैसे वो थे वैसा ही दिखाया जा रहा है. जैसे वो थे ब्लंट, सैवेज, कॉन्ट्रोवर्शियल, वैसा उन्हें यहाँ पे दिखाया जा रहा है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज डूइंग अ रियली गुड जॉब प्लेइंग दैट. एंड आई डोंट नो इसमें यू नो छोटी छोटी बिट्स एंड डिटेल्स दिखाएंगे या नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल आई डोंट रिमेंबर द ईयर, मुझे साल याद नहीं है, लेकिन
बाल ठाकरे वॉज बैंड फ्रॉम वोटिंग, किसी भी इलेक्शन में खड़ा होने से उनको 6 साल के लिए बैन कर दिया था, क्योंकि वो रिलीजन के नाम पे वोट मांग रहे थे, एंड विच आई बिलीव इज़ रियली वेरी रॉन्ग. यू नो, ऑडियंस को इस तरह से, पब्लिक को इस तरह से मैनिपुलेट करना कि आप हिंदू हैं तो आप हमें वोट दीजिए, अगर आप यू नो हिंदू राइट चाहते हैं आप हमें वोट करिए, अगर आप मुसलमान हैं तो आप हमें वोट करिए, अगर आप मुस्लिम्स के लिए राइट चाहते हैं, यू नो पावर चाहते हैं तो आप हमें वोट करिए, ये बहुत ज़्यादा गलत है. एंड इसके लिए उन्हें 6 साल के लिए बैन कर दिया गया था, बट बाद में वो बैन हट गया था. एंड आई डोंट नो, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें इसमें दिखाई जाएंगी या नहीं दिखाई जाएंगी. इसमें राइट्स दिखा रहे हैं, एंड इसमें जैसा दिखाया कि यू नो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो रोल प्ले कर रहे हैं वो एक्चुअली में बोल रहे हैं कि हाँ मेरा यू नो आपका हाथ था क्या राइट्स में, नहीं से हाँ हाथ नहीं पैर था. सो यू नो दैट इज़ लाइक रियली वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल. आई रियली होप कि ये मूवी किसी ट्रबल में ना आए रिलीज़ होने से, ये पक्की पक्की रिलीज़ होनी चाहिए. ये साथ साथ शूट हुई है मराठी में भी एंड हिंदी में भी, विच इज़ रियली ग्रेट, क्योंकि बाल ठाकरे साहब की जो मेन फॉलोइंग रही है वो यू नो मराठा लोगों से रही है, एंड उनके लिए अलग से मराठी लैंग्वेज में होना विच इज़ लाइक रियली वेरी यू नो क्लोज टू द हार्ट टू द पीपल. सो आई थिंक दैट इज़ रियली अ गुड डिसीजन. एंड अमृता राव की सिर्फ एक ही झलक हमें इसमें देखने को मिले, बट शील बी यू नो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द होल मूवी. आई रियली लव द फैक्ट कि बीच में यू नो इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिखाया है कि ही इज़ यू नो डूइंग अ पेंटिंग या कुछ आर्ट बना रहे हैं बीच बीच में, क्योंकि मैंने पढ़ा है यू नो बाला साहेब ठाकरे स्टार्टेड हिज करियर एज अ कार्टूनिस्ट यू नो फॉर इंग्लिश जर्नल इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एज अ कार्टूनिस्ट उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी, एंड वो एस्पेक्ट इसमें कहीं ना कहीं दिखाया है. सो दैट इज़ लाइक आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, एंड दैट्स इट. सारा हमें यू नो देखने को मिलेगा इसमें, इंदिरा गांधी, द रायट्स, यू नो द शिवसेना एंड ऑल दैट. इट इज़ गोइंग टू बी वन कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी मैन. सो यू नो जिस चीज़ के लिए बैन किया गया था बाल ठाकरे साहब को, आज वही हो रहा है. यू नो 2018 में अब हम आ गए हैं, एंड आई मीन 19 आने वाला है, एंड 19 के इलेक्शन के लिए भी कुछ नहीं हो रहा, बस दोनों रिलीजन्स को लेके मैनिपुलेट करा जा रहा है ऑडियंस को, हिंदू मुस्लिम करके बस मैनिपुलेट करा जा रहा है, एंड विच दैट इज़ लाइक सो सैडनिंग टू विटनेस. आई एम बट इट इज़ वॉट इट इज़, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, दैट्स ऑल आई कैन से. क्योंकि कहने को जनता के हाथ में पावर है, लेकिन जनता के हाथ में एक्चुअली इतनी पावर है नहीं लॉजिकली अगर देखा जाए तो, बीइंग प्रैक्टिकल. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड आई रियली यू नो होप बेस्ट फॉर दिस मूवी, एंड आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, क्योंकि यू नो यहाँ के लोग सच में यू नो इनटॉलरेंट हैं, एंड आई रियली होप कि इस ये मूवी उस चीज़ का शिकार ना बन जाए. आई रियली वॉन्ट दिस मूवी टू गेट अ प्रॉपर रिलीज, जिसकी वजह से यू नो कोई दिक्कत ना हो, उसके पोस्टर ना फाड़े जाएँ, थिएटर ना जलाए जाएँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मारने की धमकियाँ ना दी जाएँ, तो बेटर रहेगा. आई थिंक दिस मूवी शुड यू नो बी अवेलेबल फॉर द ऑडियंस, फॉर महाराष्ट्र ऑडियंस एंड यू नो ओवरऑल इंडिया, एंड दैट्स इट. आई थिंक दिस मूवी इज़ अ रियली ब्रेव अटेम्प्ट, एंड दिस मूवी शुड बी यू नो वॉच्ड बाय ऑल. सो दैट्स इट, प्लीज़ टेल मी योर थॉट्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मूवी, एंड अगर आपको कुछ कहना है, एंड आई नो काफ़ी लोगों को, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपको लोगों को काफ़ी कुछ कहना होगा, तो यू नो कमेंट करिए नीचे. आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज मच एज आई कैन, एंड आई विल फील दैट इट इज़ रेलिवेंट टू रिप्लाई, आई विल. एंड अगर ऐसी वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, स्टारडस्ट एंड ऑल द अदर सोशल मीडिया एप्स, ऑल ऑफ द लिंक्स आर मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो. दैट्स इट, आई विल सी यू सून एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.